आपके मैंने यूट्यूब चैनल वर्क साड़ी क्लाउड दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है, ओके। तो हम लगातार इसकी तैयारी करेंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम पद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, कंप्लीट मैराथन होने वाली है, ओके। आपको पता है कि पद्य साहित्य के इतिहास से आपके 2 नंबर का फिक्स रहता है क्वेश्चन आना, ओके। तो आपको क्या है, मैं कुछ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ओके। जिससे आपको क्या है 2 नंबर का फिक्स रहने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर इस टॉपिक से आपको प्रश्न आना ही है और इसी उसी टॉपिक जितने क्वेश्चन बताओ उन्हीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने सब प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर किए हैं, ओके। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ओके। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, ओके। आपका लक्ष्य क्या है, 95% बनाना आपकी सिलेबस, ओके। लेकिन आपको क्या है, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, ओके। फेक पेपर के माध्यम से आपको भटकाया जाएगा, लेकिन आपको क्या है, केवल और केवल जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके माध्यम से आपको क्या है टॉप करना है, ओके। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो पद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले दोस्तों आपको तय करना है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो बस आपको याद रखने ना क्यों कहा जाता है। इसके दो से तीन पॉइंट आपको रीजन तैयार करना है। पहला है लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, दूसरा है भक्ति की भावना, तीसरा आपका स्वान सुखाए काबल साधना, ओके। दो याद आपको आसान है, दोनों याद कर लीजिए, दो पॉइंट बस याद कर लिए पर्याप्त है कि लोक मंगल एवं समन्वय की भावना और भक्ति भावना, ओके। यही कारण ये सब तक इसमें भक्ति काल में यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ओके। कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट आपको तय करना है भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं, भक्ति मतलब भक्ति करना, किसी ईश्वर की भक्ति करना, तो इसकी ईश्वर की भक्ति हुई इसमें, ओके। गुरु महिमा है, सादा जीवन था, समन्वय की भावना थी, ओके। और क्या राजस्य से मुक्ति थी, मतलब राजाओं के अंडर में काम गीत नहीं गाते थे, ओके, ये वगैरह, तो ओके राजस्य से मुक्ति थी। तो ये सब आपकी हो जाती है भक्ति काल की विशेषताएं, ओके। 2 कवि कौन से, तो तुलसीदास हो जाता है आपका, कृष्ण हो जाते हैं, ओके, सूरदास हो जाते हैं, ये आपके क्या है भक्ति काल के 2 कवि है, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखी, ओके। तो भक्ति काल का आपको वर्गीकरण करना है, ओके। तो भक्ति काल में देखिए आपके दो होते हैं, आपके एक निगुण होता है, एक सगुण धारा, ओके। अब निगुण में भी 2 है, सगुण में भी 2 है, ओके। तो भक्ति काल में निगुण, अब निगुण में प्रेम भारी सारगा में प्रवर्तक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, रचना है पद्मावत, ओके। ऐसे ही याद करने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन तो बन ही सकता है, साथ ही ऑब्जेक्ट में 100% आता ही इनमें, ओके। कि क्या है प्रेम मार्गी सागर के प्रवर्तक कवि कौन है और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कौन, इस बार से क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कि प्रेम मार्गी शाखा के हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान की बात करते कबीर दास, राम भक्ति मतलब भगवान राम की ज्यादातर कौन बात करते हैं तुलसीदास जी हमारे, कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण की महिमा किसने गाई है, तो सूरदास जी ने। तो ये आपको याद रखना है उनकी उनसे संबंधित की रचना, ओके। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कबीर की है बीजक, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, सूरदास की सुर सागर, ओके। ये आपको याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, निगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 कवियों के नाम लिखिए, ओके। निगुण भक्ति धारा की विशेषता आपसे पूछी जा रही, ओके। मतलब निगुण भक्ति धारा में क्या होता है, पहला निगुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर समान मानते हैं और इस धारा के कवियों में रूढ़ियों छुआछूत कुरीतियों पर प्रभाव किए हैं। इस धारा के कवियों ने क्या अवधि और सदुकड़ी भाषा को अपनाया, ओके। इसके अब 2 कवि आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपके कबीर हो जाते हैं, जायसी क्या है निगुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की निगुण प्रेम मार्गी शाखा की 4 विशेषता, ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, प्रेम मार्गी शाखा ही पूछी जा रही है। तो इसमें क्या है, इस काल में काव्य कलापक्ष के तरह भाव पश्चिमी प्रबल रहा है, प्रमुख छंद कौन से, दोहा सोटा चौपाई छंद थे, अवधि और फारसी भाषा का प्रयोग है, साथ ही क्या है आपका कुतुबन मंजस एवं जायसी की नए प्रेम गाथाओं के काव्य के रूप में गोथा, ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, निगुण धारा और सगुण धारा में अंतर, ओके। देख लेते हैं निगुण धारा और सगुण धारा में अंतर, 3 पॉइंटों के माध्यम से तैयार बताया गया है, तीनों तैयार कर लीजिएगा। पेपर में तो आपको 2 ही कम से कम आपको लिख ही देना, ओके। तो निगुण धारा में क्या होता है, निगुण काव्य धारा में निराकार ब्रह्म की आराधना की जाती है, जबकि सगुण धारा में क्या है साकार मतलब भगवान राम या कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंकन किया जाता है, ओके। दूसरा क्या है कि निगुण धारा के कवियों में जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करते हुए लोक मंगल पर बल दिया है। तीसरा है निगुण धारा के काव्य में रहस्यवाद और मनसवी शैली को अपनाया गया है, जबकि सगुण धारा के काव्य में समन्वय और सुंदर अंकन की प्रधानता, ओके। आपके 3 पॉइंटों के माध्यम से निगुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताया गया है, याद कर लीजिएगा, ओके। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, रीति काल का नाम रीति काल क्यों पड़ा, इस युग के कोई 3 प्रवृत्तियां समझाइए। आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रीति काल की विशेषता बताइए और इस युग के कवि और उनके रचना, ओके। तो देख लेते हैं रीति काल क्या है, तो नामकरण का क्या कारण है, कवियों ने रीति अर्थात संस्कृत साहित्य के लक्षण
ग्रंथों की बंधी बधाई लीक का अनुसरण किया। परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन की फलस्वरूप इस काल का नाम रीतिपाल कराओगे। रीति काल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ रीतिबद्ध रचना की जाती थी। रीतिबद्ध रचनाओं की इस काल में की जाने के कारण इसे क्या है रीतिकाल इसका नाम पड़ोगे। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है कि इस काल में क्या है सांसारिक शोक का प्रधान था, यह समय विलास और क्या समृद्धि का था, जीवन क्षण भंगुर था, अतः जीने के सुख भोग सके अच्छा रहता है। ओके आगे देख लेते हैं। दूसरा है राजस्थित होने के कारण क्या है कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी थी। ओके रीतिकाल में क्या होता था कि जितने भी कवि थे वो सब क्या है राजा के शरण में रहकर उनके ही गुणगान गाया करते थे, वही उनका क्या है भरण पोषण का रीजन था। ओके नेक्स्ट है रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष कला पक्ष की प्रधानता रहती थी। इस कला के दर्शन में संस्कृत की सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट था। रीति ग्रंथ भी लिखे गए तथा भाषा के शब्दों का चमत्कार और अलंकारों का भी किया गया। अब प्रमुख कवि कौन कौन से? तो भूषण हो जाता है, आपके बिहारी सत्यसाई हो जाती है, आपके पद्माकर हो जाते हैं, केशव दास जिसने रामचंद्र का लिखी ये आपका बताया जाओगे। तो कवि दी हुए उनके एक एक रचना बताई गई होगी। आगे देख ले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम उनकी रचना बतानी होगी। तो रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा जाता है इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 17वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल कहा जाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। सामंता और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि क्या राजस्थित, जैसे मैं बता चुका हूँ रीतिकाल में जितने भी कवि थे वो क्या है राजा के शरण में रहा करते थे, राजस्थित थे वे राजा वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं के प्रसन्न करने के लिए कवियों का क्या है श्रृंगार प्रधान काव्य रच करना स्वाभाविक, मतलब जिनके अब जिनके अंडर में रहेंगे तो उनका गुणगान करना स्वाभाविक बात होगी। तो राजा के अंडर में रहते थे तो राजा के अंडर में ही रह करके क्या है उनका गुणगान किया करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे होंगे चाहे राजा जैसा भी होगे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का क्या है श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक है। नायक नायिका के भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन के रूप में भी श्रृंगारिता का दर्शन हुआ। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, अतः हमें संबंधों ने क्या श्रृंगार काल भी कहा है। रीजन क्या है कि जो जितने भी इसे काव्य लिखे गए अधिकतम उसमें जो रचना थी वो श्रृंगार काल में थी, श्रृंगार रस में थी, इसलिए श्रृंगार रस में होने के कारण अधिकतम रचनाएं इस मिश्र बंधुओं ने क्या है श्रृंगार काल का होगे। कवि कौन से है? तो बिहारी ने लिखी बिहारी सत्यसाई, भूषण ने लिखी सत्यसाल दशक। ओके ये बिहारी और भूषण कौन है रीतिकाल के कवि होंगे। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतेंदु युग की दो विशेषताएं। तो भारतेंदु युग में क्या है देश राष्ट्र प्रेम और अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया। दूसरा इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथा चित्रण किया गया। ओके ये जाता है। फिर नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन में पूछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छायावाद की विशेषता। दो विशेषताएं आएंगी आपकी। ओके पेपर में दो ही विशेषताएं पूछी जाएगी, दो आपको तैयार करना क्योंकि दो नंबर क्वेश्चन रहता है और प्रमुख छायावादी कभी भी तैयार कर लीजिएगा। तो छायावाद की परिभाषा भी एक बार एक याद कर लीजिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसके डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में। बाकी ये भी आपकी परिभाषा दी हुई है। मैंने आपको विशेषताएं याद करनी है। तो सौंदर्य तथा प्रणय भाव का प्रधान है, भाषा में लाक्षणिक तथा वक्रता की प्रमुखता है, ये हो जाती है आपकी छायावाद की विशेषताएं। ओके तो तीसरी विशेषता क्या है वाहितार्थ निरूपण के स्थान पर क्या है स्वनानुभूति रुगुण निरूपण की प्रमुखता है, साथ ही क्या प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये भी आप विशेषता लिख दीजिए। प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, ये है उनके साथ इनकी रचना भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं अभी तक आपने अपने हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिंदी कोर्स में दोस्तों आपको क्या है आपके आरोह के काव्यखंड गद्यखंड वितान अव्यक्ति माध्यम तो क्या कंप्लीट आपको क्या है क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। ओके सॉल्यूशन के साथ साथ ही कंप्लीट आपकी व्याकरण हो जाएगी, मतलब कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039354079 दी गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 250 रुपये 50% ड्रॉप चला है तो केवल 125 रुपये में कंप्लीट आपको हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। पीडीएफ रूप में रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। आगे देख लिए नेक्स्ट आपको तय करना है प्रयोग आदि कविता की विशेषताएं। अब चार चार विशेषताएं लेकिन आपको दो ही विशेषता तैयार करनी है, बाकी चार में से जो भी आपको दो अच्छी लगे दो या तीन आप तैयार कर लीजिए। तो प्रयोग आदि कविता में क्या है मार्क्सवादी का प्रभाव परिलक्षित है। दूसरा है इस काम में क्या है सजग और गहरी पीड़ा का बोध है। तीसरा है प्रयोग आदि कविता भावुकता के स्थान पर क्या है बौद्धिकता पर विशेष बल दिया। ओके चौथा है फ्राइडन के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया। ओके तो ये आपके चार विशेषताएं कोई भी आप दो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के दो कवि एवं उनकी रचना बतानी है आपको। तो सुमित्रा नंदन पंत जो युगवाणी लिखी, नागार्जुन युगधारा। ओके ये हो जाते हैं आपके प्रकृतिवादी कवि उनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद कवि की आपको विशेषता। ओके ये भी प्रयोगवादी की आपको विशेषता भी देखी, अब आपको प्रकृतिवादी की तो आपको तैयार करना है छायावाद की प्रयोगवादी की प्रकृतिवाद की नई कविता इनकी आपको क्या है दो दो विशेषताएं तैयार कर लीजिए। ओके प्रकृतिवादी की विशेषता है कि प्रकृतिवादी कविता में दीनहीन संवेग तथा पद दलित मानवों का सजीव चित्रण है। दूसरा है मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर है। तीसरा है प्रकृतिवादी काव्य
की भाषा जन सामान्य के सरल एवं सामान्य भाषा, ये आपकी दी हुई विशेषताएं जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नई कविता की विशेषताएं। ओके, तो नई कविता में जीवन के हर क्षण का सत्य ठहराती है। दूसरा है नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभूत पर आधारित है। नई कविता पर लघु मानवता का स्वीकार किया, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो ये आपकी विशेषताएं दी नई कविता की, इसमें भी आप क्या है दो से तीन तैयार कर लीजिए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके गद्य आपके पद साहित्य के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने बताए नहीं कि तैयार करना 100% दोस्तों चीज से आपका आ जाएगा, क्योंकि सब प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर कर लिए जो आपके आते होंगे। दोस्तों क्रम से आप क्या है हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो आप देख लीजिए। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।